परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न 2010, एक समतल जिसका केंद्र ए बी सी है, निर्देशांक अक्षों को क्रमशः पी क्यू आर बिंदुओं पर काटता है। समतल पी क्यू आर का समीकरण ज्ञात करें। माना समतल का समीकरण x अपान पी प्लस y अपान क्यू प्लस z अपान आर इज इक्वल टू 1 है, जो निर्देशांकों को p q r बिंदुओं पर काटता है। अतः P के निर्देशांक P 0 0, Q के निर्देशांक 0 Q 0 तथा R के निर्देशांक 0 0 R है। अतः केंद्रक P प्लस 0 प्लस 0 अपान 3 कामा 0 प्लस क्यू प्लस 0 अपान 3 कामा 0 प्लस 0 प्लस आर अपान 3 अर्थात पी बाई 3 क्यू बाई 3 आर बाई 3। परंतु प्रश्न से केंद्रक ए बी सी है, इसलिए a इज इक्वल टू पी बाई 3 इम्प्लाई दैट p इज इक्वल टू 3a, b इज इक्वल टू q बाई 3 इम्प्लाई दैट q इज इक्वल टू 3b, c इज इक्वल टू r बाई 3 इम्प्लाई दैट r इज इक्वल टू 3c। चूँकि एक से x अपान 3a प्लस y अपान 3b प्लस z अपान 3c इज इक्वल टू 1, इम्प्लाई दैट x अपान a प्लस y अपान b प्लस z अपान c इज इक्वल टू 3। ऊंचाई h तथा त्रिज्या r वाले लंब वृत्ती शंकु का आयतन व वक्र पृष्ठ ज्ञात करें। माना शंकु का शीर्ष मूल बिंदु O पर तथा अक्ष x अक्ष पर है तथा इसके वृत्तीय आधार की त्रिज्या r तथा अर्धशीर्ष कोण अल्फा तथा ऊंचाई एच है। फिगर में देखिए एक्स एच वाई एच, यह शंकु है, ए और बी बिंदु हैं, अल्फा कोण बना रहा है, पी एक्स वाई वाई है, त्रिज्या आर है, ए सी इज इक्वल टू आर, ओ सी इज इक्वल टू एच, ओ ए इज इक्वल टू एल, यह तिरछी ऊंचाई है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यह शंकु समकोण त्रिभुज ओ ए सी को भुजा ओ सी के परितः घुमाने से बना है। माना पी एक्स वाई भुजा ओ ए पर कोई बिंदु है तथा कोण ए ओ सी बराबर अल्फा, तो ओ ए का समीकरण y इज इक्वल टू एक्स टैन अल्फा बराबर x इंटू आर अपान एच। अतः शंकु का आयतन 0 टू एच पाई वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0 से h पाई x स्क्वायर टैन स्क्वायर अल्फा डी एक्स।